सरकार की कोशिश रहती है कि ग्रामीणों के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसे धरातल पर सही ढंग से उतारा जाए, लेकिन अधिकारी उसे बखूबी ठेंगा दिखाते हुए नजर आते हैं। यही कहानी है दुमका जिले की, जहां मनरेगा कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है और लाखों की लूट कर भ्रष्ट अधिकारी अपना जेब बस गर्व कर रहे हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से मनरेगा कार्य में लूट हो रही है। मनरेगा योजना लाई गई ताकि झारखंड वासियों को हर सुविधा मिले जिससे वो वंचित है। सरकार ने इस योजना को धरातल पर लाने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी, लेकिन वही अधिकारी आज सिस्टम को ठेंगा दिखा रहे हैं। ये कहानी एक जिला की नहीं बल्कि झारखंड के तमाम जिलों की है। दुमका के रानीश्वर प्रखंड के रंगलिया पंचायत में मनरेगा कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। रंगलिया पंचायत में मोरम पॉटिंग का कार्य हुआ ही नहीं है और लाखों रुपया की निकासी कर ली गई। इतना ही नहीं, एक कुकड़ी भाषा गाँव में आरियो रोड से गोसाई पाड़ा तक मोरम टॉपिंग निर्माण कार्य का स्वीकृति 2023-24 को दे दी गई है, जिसमें एक इंच भी मोरम नहीं लगाया गया और मोरम का पूरा रुपया निकासी कर ली गई। यहां तक कि मनरेगा कर्मी 18 तारीख से हड़ताल पर है, फिर भी पेमेंट किया जा रहा है। जब एक अब्बास का पिताजी जिंदा था उससे 15 साल पहले मौत हुआ था, उस समय मोरम गिरा गया था, अभी नहीं गिर गया है ना। इसके बाद हम मेरे तो याद में नहीं हो रहा है। रास्ता कैसा है अभी? रास्ता बहुत खराब है। खराब मतलब मोरम नहीं गिरा गया? नहीं। ग्रामीण यही कह रहे हैं कि सड़क अच्छी नहीं है, काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि लगातार खबर प्रकाशित होने के बाद भी मनरेगा में भारी लूट हो रही है और अधिकारी मौन है। मामले को लेकर सहायक अभियंता और कनिया अभियंता का कहना है कि इस विषय में हमें पता ही नहीं और ना ही पैसे की निकासी की सूचना है। बिना कार्य का पेमेंट हुआ जिसका माफी पुस्तक नहीं बनाया गया, ऐसी स्थिति में योजना में पेमेंट हो जाना कहीं ना कहीं ऑपरेटर या वेंडर पर सवाल उठाते हैं। खराब गया चलाम ते दी कष्ट अरे कष्ट गड्डी हे बांगी करा अलट ला लस अड्डी लस सीना माल टला हम टला सीना माल गसाई पेड़ा कहीं भी इस रास्ते में कहीं भी मोरम गिरा गया? नहीं। किचड़ है ना? नहीं है किचड़ में? किचड़ है। मनरेगा में इस तरह की भारी लूट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा खेल हो रहा है। ऑपरेटर वेंडर बिचौलिया की मिलीभगत से मनरेगा में लूट हो रही, तो देखने वाली बात होगी कि उन भ्रष्ट अधिकारियों पर उचित कार्रवाई होती है कि नहीं। टीवी 45 के लिए दुमका से संवाददाता तूफान अंसारी की रिपोर्ट। संवाददाता तूफान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए तूफान, अगर हम बात करें मनरेगा योजना की बात कर ले, तो मनरेगा योजना लाई गई थी ताकि ग्रामीण जो भी समस्याओं से वंचित रह जाते हैं, जो भी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, तो उसे पूरा किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मनरेगा में ही लूट मची हुई है। यहाँ तक कि अधिकारी को सब कुछ जानकारी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी खबरें तो लगातार दिखाई जा रही है कि मनरेगा कार्य में किस तरीके से लूट हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है और वही लूट चल रहा है बिचौलियों की ओर से। लगातार मनरेगा का कार्य पूरा होता ही नहीं है, लेकिन वो पैसों की निकासी कर ली जाती है। फिलहाल क्या कुछ कहानी है, किस तरीके से पूरा ये खेल चल रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी आप हमें दें। मनरेगा का खेल ये है, जो वाजिब में काम करते हैं, जो उनके पास जॉब कार्ड नहीं रहता है, उनके पास जॉब कार्ड रहता है, उस जॉब कार्ड से पैसा निकासी किया जाता है। लगातार अखबार में रानीश्वर प्रखंड की खबर चलती है, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ जैसे लोकपाल के द्वारा कार्रवाई भी किए गए कई बार, जैसे एक योजना हाल फिलहाल में थे जो तालाब का मिट्टी दूर फेंका जाए, वो आदेश भी दिए थे, लेकिन लोकपाल का भी मतलब आदेश को अनलेखना किया गया। ये स्थिति है रंगलिया में, रानीश्वर प्रखंड, पूरे रानीश्वर प्रखंड में। और तालाब जो कोड़ा जाता है, जैसे तालाब के एकदम सटे हुए माटी को फेंक दिया जाता है, कुछ दिन में बाद फिर दोबारा वो तालाब का मिट्टी, मेड़ का मिट्टी फिर तालाब में आ जाता है। देखिए अगर हम बात करें तो खबर प्रकाशित लगातार की जा रही है तूफान, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों के कान में वो बातें नहीं जा रही हैं। तो वहां के फिलहाल ग्रामीणों का क्या कुछ कहना रहता है? क्या कभी भी उन्होंने गुहार लगाई है? कभी उन्होंने शिकायत की है? क्या अधिकारी के पास वो गए लेकिन इसके बावजूद भी क्या कार्रवाई नहीं की गई?
ज्यादातर आदिवासी यहाँ आदिवासी हैं इस क्षेत्र में, ज्यादा जमीन उन्हीं की है, उन्हें उतना जानकारी नहीं है जो मेरे जमीन को 10 फीट कोड़ना चाहिए एक तालाब में या 2 फीट कोड़ना चाहिए। कई ऐसा रानेश्वर प्रखंड में है जो 1 फीट तालाब कोड़ करके ही पैसा निकासी कर लिया गया है 2 लाख रुपया। लगातार अखबार में ये खबर प्रकाशित हो रही है, फिर भी कोई अधिकारी इसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से मनरेगा कार्य में बिना उस कार्य को पूरा किए ही पैसे की निकासी की जाती है, यहाँ के किसी पुलिया की नींव रखी जाती है, लेकिन उसके पहले ही 2 लाख से अधिक लाखों के रुपए की लूट की जाती है। तो देखने वाली बात होगी कि कब अधिकारियों की नींद खुलती है और इन भ्रष्ट अधिकारियों पर और जो भी वहां पे वेंडर हैं या फिर कह ले बिचौलिए, कब उन पर नजर पड़ती है और एक्शन लिया जाता है।